डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और बहुत ही बड़ी अपडेट है और बहुत ही अच्छी खबर है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स बीटीयूपी इवन सेमेस्टर रिजल्ट 2022 का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जावेद मुस्तफा सर ऑफिशियल यानी वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। ये एक जर्नलिस्ट हैं और ज़्यादातर ये लखनऊ में रहते हैं, आपके बोर्ड के इर्द गिर्द ही रहते हैं। और आपको मालूम है कि स्टूडेंट्स की समस्याओं का ये समाधान निकालते रहते हैं और डायरेक्ट इन्होंने सीधे बीटीयूपी के सचिव से बात करके ये अपडेट दी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नीचे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इन्होंने क्या ट्वीट किया है। यहाँ देखिए 12 घंटे पहले का इन्होंने ट्वीट किया है, पॉलिटेक्निक छात्रों की समस्याओं को देखते हुए #बीटीयूपी सचिव से बात की, यानी कि इन्होंने बात की ताकि कम से कम अंतिम सेमेस्टर वालों यानी कि फाइनल ईयर वालों का परिणाम 2 सितंबर से पहले जारी किया जा सके। बोर्ड ने आश्वासन दिया। आप देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि बोर्ड ने भी आश्वासन दिया, यानी कि जो आपके सचिव वगैरह कह लीजिए कि बोर्ड ने सीधे आश्वासन दिया कि 24 को डाटा दिखवाया जाएगा और संभव कोशिश की जाएगी कि छात्र #SSC JEE आवेदन से वंचित न हो, #students #polytechnic यानी सीधे शब्दों में कहा जा रहा है कि आपका रिजल्ट आज के बाद से, अगर केवल अब देखिए कि केवल फाइनल ईयर के बच्चों का रिजल्ट पहले घोषित किया जा रहा है या कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों का सभी का रिजल्ट, यानी कि जो आपके कह लीजिए कि फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर उनका भी रिजल्ट घोषित किया जा रहा है या फिर केवल सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट का रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। अगर सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा तो वो SSC JEE के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और देखिए आज के बाद से 24 के बाद से कभी भी आपका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। सीधे बोर्ड ने भी आश्वासन दिया है, आप टेलीग्राम पर जरूर बने रहेंगे, खास करके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनसे ये जानते हैं, आपको मालूम है कि इसी को वो फॉर्म भरने के लिए उत्सुक हैं कि जल्दी से निकल जाए। और पता चला कि पिछली बार की तरह आपको लिंक मिले ही नहीं, एक दिन बाद आपका रिजल्ट ओपन हो तो एक दिन और आपका कम हो जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम पर रहेंगे तुरंत लिंक, अब एक नहीं दो नहीं तीन तीन लिंक जनरेट होकर कई तरीके से आपके रिजल्ट खुलते हैं। तो जो भी लिंक जनरेट होकर आते रहेगा आपको वीडियो के द्वारा भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और टेलीग्राम पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर बने रहेंगे। चूंकि आज अब इस वीडियो से आप जा सकते हैं, आपको यह आगे जानकारी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी, क्योंकि आज आपके यहाँ मौसम कैसा है इसके बारे में, और एक शायरी आज छोटी सी, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है, आप अपने यहाँ के अपने इलाके का लोकेशन देख करके जरूर टैग करेंगे यानी कि बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपके यहाँ का मौसम आज कैसा है, धूप हुई है या फिर बादल छाए हैं या फिर बारिश हो रही है या फिर मूसलाधार बारिश हो रही है। एक छोटी सी शायरी बनते हैं, जो बच्चे अब इस वीडियो को छोड़ के जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। यही अपडेट थी कि आपके रिजल्ट कभी भी जारी किए जा सकते हैं। अब देखिए इसके बारे में यह आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन फाइनल ईयर के बच्चों को केवल जारी किया जाएगा या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी को जारी किया जाएगा इसके बारे में कोई नहीं। अब हो सकता है कि जैसे कि अभी मैंने पिछली वीडियो में कल रात को आपको बताया था कि लगभग कॉपी आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट है और बहुत तेजी से काम हो रहा है, जो नए सचिव आए हैं बहुत तेजी से आपका काम हो रहा है, तो आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द ही अब जारी कर दिया जाएगा। आज के बाद से आपका रिजल्ट कभी भी शो किया जा सकता है, आप सभी बच्चे एक्टिव जरूर रहेंगे, खास करके फाइनल ईयर के स्टूडेंट। एक छोटी सी शायरी हो जाए, आप सभी बच्चे अपने इलाके का माहौल जरूर बताएंगे कैसा है इस वक्त फिलहाल में, बारिश हो रही है, बादल छाए हैं या फिर धूप हो रही है। छोटी सी शायरी सुन लीजिए, फिर आप वीडियो को छोड़ करके चले जाएंगे। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। अगर लाइन अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पर जाकर के स्टोरी को शेयर जरूर करेंगे और मुझे टैग जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।